और अब बात पपला गुर्जर की, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। छह सितंबर 2019 यानी वो दिन जब राजस्थान पुलिस पर दाग लगा। हरियाणा का मोस्ट वांटेड बदमाश विक्रम सिंह उर्फ पपला गुर्जर बहरोड थाने पर फायरिंग कर फरार हो गया। लेकिन राजस्थान पुलिस भी कहां पीछे हटने वाली थी। एक के बाद एक कड़िया जोड़ते हुए पुलिस आखिरकार उसके गिरेबान तक पहुंची गई। खुद सीएम अशोक गहलोत ने भी प्रदेश की पुलिस को उनकी कामयाबी के लिए बधाई दी। क्या है पपला के फरार होने से लेकर गिरफ्तारी तक की कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीर देखी आपने? अब जरा ये तस्वीर देखी, राजस्थान पुलिस के कदमों में रोता बिलखता नंगे पैर, रहम की भीख मांगता या माने धूल चाटता ये बदमाश वही पपला है जो कभी अपने आप को पाप की दुनिया का चमकता सितारा कहता था। लेकिन अब ये कानून की काल कोठरी में सूरज की चमक को भी तरसेगा। यही पपला 6 सितंबर 2019 को बहरोड थाना पुलिस पर फायरिंग कर फरार हो गया था। लेकिन अब ये बदमाश पुलिस के गिरफ्त में है। पुलिस ने इसे महाराष्ट्र कोल्हापुर से गिरफ्तार किया है, जहां वो जिया उर्फ सहर नाम की महिला के साथ रह रहा था। बताया जा रहा है कि ये महिला जिम चलाती है। मैंने कहा ना, एक जिया उस शहर सिगलीगर नाम की लेडी है जिसको साथ लेकर आ रहे हैं, उसकी भूमिका की जाँच की जा रही है। जिया उस शहर सिगलीगर। खास बात यह है कि विक्रम सिंह और पपला महाराष्ट्र के कोल्हापुर में उधम सिंह के नाम से रह रहा था और महाराष्ट्र के ही एड्रेस से पपला ने आईडी भी बनवा रखी थी। इसने अपना नाम बदलकर वहां पर उधम सिंह रखा हुआ था और आधार कार्ड भी इस नाम से उसने जारी करवाया हुआ था और इस आइडेंटिटी के अंतर्गत वो वहाँ अपनी एक महिला मित्र जो जिम संचालित करती है उसके साथ निवास कर रहा था। पपला आखिर कितना खतरनाक बदमाश है इसका पता इससे लगता है कि 6 सितंबर 2019 को पुलिस पर फायरिंग कर फरार हुआ था पपला। पपला के साथियों ने अलवर के बहरोड थाना पुलिस पर की थी फायरिंग। गैंग के दो दर्जन बदमाशों ने थाने में घुसकर फायरिंग की थी। AK-47 और अत्याधुनिक हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। घटना के बाद बहरोड थाने के 69 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया था। पपला गुर्जर पर राजस्थान पुलिस ने 5 लाख का इनाम रखा था। 7 सितंबर 2017 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ से भी फरार हुआ था पपला। महेंद्रगढ़ कोर्ट परिसर में पेशी के दौरान पुलिस पर की थी फायरिंग। महेंद्रगढ़ में हरियाणा के 4 पुलिस कर्मियों को गोली लगी थी। 2 साल बाद 5 सितंबर 2019 को किया था पपला को गिरफ्तार। बहरोड में साथी का बदला लेने आया था पपला, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ा। बहरोड पुलिस ने उसकी कार से 31,90,000 रुपए भी बरामद किए। पपला के पकड़े जाने के बाद पुलिस कर्मियों ने पपला के गुर्गों से बात करवाई। बहरोड थाने में सुबह 8:30 बजे घुसकर पपला गुर्जर के साथियों ने फायरिंग की। DGP ML लाठर ने बताया कि पुलिस ने कोल्हापुर में मकान को चारों तरफ से घेर कर गिरफ्तार किया। 3rd फ्लोर पर था ये, वहां से इसने छलांग लगाई और क्योंकि जैसे कि IG जयपुर के निर्देशन में कार्रवाई चल रही थी तो इनको ढंग से जो, क्योंकि पहले हमें वीडियो भिजवाया गया था जिस मकान में वो रह रहा था और उसकी सारी जो टोपोग्राफी समझकर कैसे हमारी डिप्लॉयमेंट होगा और किस ढंग से पुलिस नियोजित होगी वो यहाँ से डिसाइड किया गया था। उसी ढंग से जैसे कभी पीछे से भाग सकता है उस दिशा में भी हमारे कमांडो तैनात किए गए थे और उसको वहाँ पर दबोचा गया है। पपला के पाप की कहानी तो काफ़ी लंबी है, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया उसे देखते हुए खाकी की तारीफ करना बनती है। खैर, अब ये देखने वाली बात होगी कि पपला से पूछताछ में और क्या क्या खुलासे सामने आते हैं। शिवेंद्र परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज।